नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बड़नगर तहसील के बालोदा लखा में ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार के कारण मूलभूत सुविधाओं को गांव वाले तरस रहे हैं। गांव में हर तरफ कीचड़ और गंदगी का आलम बड़नगर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम बालोदा लखा में भ्रष्टाचार की सारी हदें पंचायत सचिव और सरपंच ने पार कर दी है। अगर मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को देखा जाए तो शासन द्वारा कई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए चलाई जा रही है, जिससे कि सीसी रोड कई गांव में शासन द्वारा लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है। वहीं इस गांव की आबादी 3800 लगभग है। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी यह गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। ग्राम बालोदा लखा में पंचायत सचिव और सरपंच की मिलीभगत से गांव की एक सड़क भी ऐसी नहीं है जहां की कीचड़ से सनी सड़क नहीं मिलेगी। अगर बात करें नट मोहल्ला, माली मोहल्ला, हरिजन बस्ती, कुमार घाटी और भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां मूलभूत सुविधाओं की आज भी दरकार है। सरकार द्वारा कहा जाता है कि बिजली, पानी और सड़क की मूलभूत सुविधाएं सभी गांव में लगभग पहुंच चुकी है, लेकिन बालोदा लखा में जमीनी स्तर पर यह कहीं भी होता नहीं दिख रहा है। एक पुलिया तो यहां ऐसी मिली जहां लोग जान जोखिम में डालकर निकलते हैं और जो 20 साल से निर्माणाधीन है लेकिन अधूरी पड़ी हुई है। इसके अलावा शासकीय स्कूल तक पहुंचने वाला मार्ग या कोई सा भी मार्ग ग्राम में ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा बना हुआ हो। गांव में सरपंच सचिव द्वारा नालियां भी नहीं बनाई गई हैं, जो गांव पूरा कीचड़ से सना हुआ है और यहाँ भारी भ्रष्टाचार की बू आती है। ग्रामीण जन का कहना है कि हमने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही होती नहीं दिख रही है। जब शासन द्वारा पंचायतों को लाखों रुपए निर्माण कार्य के लिए दिए जाते हैं तो आखिर पंचायत सचिव निर्माण का नहीं करते हुए इतना भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, जिससे कि लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। जब मीडिया कर्मी इस गाँव में पहुंचे तो गाँव के लोग पंचायत सचिव और पंचायत का खुलकर विरोध करने सामने आ गए। लोगों का कहना था कि कई बार शिकायत करने पर भी कोई हल नहीं हुआ। बच्चे, बूढ़े या युवा सभी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। बड़नगर से विजय नीमा की रिपोर्ट। रोड में देखो ना, कीचड़ बहुत हो रहा, पानी भी कीचड़ बहुत है। यहाँ समाज तक निकले के स्थिति, बच्चा बच्ची सब स्कूल में जाता है, बनवाने जाए या नहीं, आंगनबाड़ी है, मेरे स्कूल है, लिख रहा है, बच्चा बच्ची से नहीं निकला। आपने इसकी शिकायत की किसी से? हाँ, पहले की थी शिकायत। क्या हुआ भाई? पंचायत वाला ने सब जगह किधर को एक भी नहीं आया था। कितने साल से ये स्थिति? ये 2-4 साल से स्थिति। पीछे देख सकते हो, पूरा मुख्य मार्ग पूरी तरह से कीचड़ व पानी से लबरेज भरा है। ये मुख्य मार्ग है, बच्चे यहाँ पे से निकलने में बहुत परेशानी होती है। आप देख सकते हो ग्रामीण में सारे रास्ते ऐसे ही मिलेंगे आपको, जो कि मुख्य बाईपास, टावर गली, नट मोहल्ला, माली मोहल्ला, सारे मोहल्ले जो कीचड़ से लबरेज भरे हैं। यहाँ पर सारी रोड सीसी रोड प्लस नाली है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई नाली या पानी, वाटर जंपिंग का कोई निवारण नहीं है। यहाँ पे देखा जाता है, हमने कई बार आवेदन दिए हैं, जनपद में भी दिया है, ग्राम पंचायत में भी दिया है, और अभी हमने SDM सर को भी निवेदन किया है कि सर हमारे गांव में आके हमारे गांव की वर्तमान स्थिति देखिए, लेकिन अभी तक कोई पंचायत या किसी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक पुल भी है जो 20 वर्ष जी सर एक पुल है जो पूर्व 20 साल पहले उनका शिलान्यास हुआ था, लेकिन वो भी जहाँ पर छुट्टी है वहीं पे पड़ी है सर। वहाँ पे भी आए दिन हादसे होते रहते हैं, छोटे बच्चे उसको क्रॉस करते समय, किसी बच्चे का पिछले साल वहाँ पे गिरना हो गया था, उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका था। वहाँ पे पानी बहुत गया है, बाहर भी नहीं निकलने दे, बच्चे बच्चे पीड़ता है, आपके सामने ये पानी भरा हुआ है, बच्चा बच्चे गिर जाते हैं, बांधना पड़ता है उनकी टांग राइश से, ये आई देखवाना पड़ी गया माके, तो ये बन जाएगा तो नानो बन जाओ तो कोई ये रास्ता नहीं है क्या? यहाँ रास्ता नहीं है, फिर कैसे निकलते हैं? यानी पिल्लर के ऐसे लकड़ी के टेके टेके निकले। अच्छा, बच्चे भी गिर जाते हैं क्या? बच्चे भी गिरते हैं, स्कूल वाले बहुत, अभी 3-4 दिन भी इस पानी में गिर गया, आने दर वो तो ठीक, नहीं तो वो तो मर जा बेचारा, इतना इतना पानी भरा के कमर कमर। आपने इसकी शिकायत की कही की है क्या? नहीं तो खतरी दफे की, पर बाकी चैलेंज नहीं, आगे जाने अरेंज काटते मिलते ही तो पंचायत आगे जावा ही। अरे बहुत कीचड़ हो रहा है, बच्चा बच्ची कीचड़ में पड़ जाए और पानी में गिर जाए, वहाँ पे ये रास्ता देख लिए, पंचायत वाला कोई भी सुन ही रहा है। आपने इसकी शिकायत कई की है? करी थी बहुत सही पर करी थी, पर सुने ही कौन है? कोई भी नहीं सुन रहा आपकी? कोई भी नहीं सुन ही रहा, विधायक जी या कोई जनप्रतिनिधि नहीं। ठीक है, एक तो आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है, और दूसरी रही चीज वहाँ बालोदा लखा का है,
तो नंबर एक वहाँ अलाटमेंट एक तो दिखवा लेंगे हम पंच परमेश्वर योजना में उनके पास पंचायत के पास आज की स्थिति में कितना राशि है और देन DPR में अगर वो काम जुड़े होंगे तो अभी क्या है कि DPR में जो काम लिए जाते हैं वो नंबर एक दो तीन इसके हिसाब से क्रम वाइज वो काम करवाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो निश्चित ही प्राथमिकता के तौर पे सफाई वगैरह का वो कार्य पहले करवाया जाएगा और स्वाभाविक है कि गांव में जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए बिजली पानी सड़क तो आप लोगों ने बताया कि वहाँ सड़कों की हालत इतनी दयनीय स्थिति है तो मैं बिल्कुल ही वहाँ पर मैं खुद एक बार भ्रमण करूँगा और वहाँ क्या यथासंभव क्या हो सकता है मैं वो चीज़। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।